मुकेश अंबानी, कुमार बिना एंड उदय कोडक एंड सावना मुर्मू, ये मेरा नाम है। इंडिया के 10 रईसों में से एक मेरा भी नाम हो, ये मेरा सपना था। और इसी सपना को पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन में बड़ी शिद्दत से प्रयास कर रहा था। और गरीबी को मैंने बहुत ही करीब से देखा है, और इसी को मैं देख के मैंने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं इंडिया के 10 रईसों में से एक मेरा भी नाम हो। मैं सोचता था अपने जीवन में कि पैसा सब कुछ ला सकता है, पैसा से हम खुशी खरीद सकते हैं, पैसा से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। और इसीलिए मैंने पैसा कमाने के लिए बहुत से चीज़ों को किया, और मेरे साथ बहुत से गलत दोस्त जुड़ते चले गए, और मैं परमेश्वर के वचन से दूर होता चला गया। मैंने अपने जीवन काल में पैसा कमाने के लिए हर तरह के बुरे कार्यों को किया, जैसे स्मगलिंग और भी बहुत सारे चीज़ जो मैंने किया। और जब इससे भी नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, और मैंने लोन में लेके एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया। 2008 का समय था जब ये वर्ल्ड एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, और उस समय हमारा जो बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का बहुत ही लो में चल गया, और जिसके कारण से हमें बहुत ही परेशानी हुए, जो हमें लोन लिया है उसे चुकाने के लिए। फाइनेंसर लोग हमारे पास पैसा लेने के लिए आते थे, और मैं अपने बदमाश दोस्तों के साथ उन लोगों को भगा देता था, पैसा नहीं देता था। और इसीलिए उन्होंने मेरा केस को हाई कोर्ट में फाइल किया, और उसके बाद मेरे घर में पुलिस आने लगी, मुझे खोजने लगी। घर वाले ये सारे चीज़ देख के परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, आज तुम्हें खोजने के लिए पुलिस आते हैं, कभी तुम्हारे खराब दोस्त आते हैं, या तो तुम ये चीज़ छोड़ दो या तो घर छोड़ के चल जाओ। ये वर्ड मेरे दिल को छू गया, और मैं अंदर ही से टूट गया था। मैं सोच रहा था ये सारा चीज़ तो मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा था, और मेरे घर वाले ही खुश नहीं हैं। और उसी बीच में कुछ सिस्टरों ने मुझे इनवाइट किया यूथ मीटिंग के लिए, और मैं यूथ मीटिंग में गया। मैंने सोचा नहीं था कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस मीटिंग के द्वारा कार्य करने वाला है, मैं अनजान था। और मैं जब मीटिंग में गया तो परमेश्वर का एक वचन मत्ती रची सुसमाचार 4:17 मेरे जीवन को छुआ। जब वो प्रचारक वहाँ से प्रचार कर रहा था तो मेरे जीवन में एक अजब सा परिवर्तन को मैंने महसूस किया। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरे जीवन पूरी तरीके से बदल चुका था। मैं वह सावना नहीं रहा, रेगुलर चर्च को अटेंड करने लग गया, फैमिली प्रेयर में जाने लग गया। ये देख के सारे लोग चौंक गए, सभी ने सोचा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये शायद एक्टिंग कर रहा है, जरूर इसे कुछ चाहिए चर्च से, इसीलिए ये बार बार आ रहा है। मुझे आज भी याद है वो दिन, 20 दिसंबर 2011 का समय था, दोपहर का समय था, जब एक पास्टर परमेश्वर को वचन से बता रहा था कि इतने सारे लोग जो आज नाश हो रहे, कौन इसे अंधकार से ज्योति की ओर ला सकता है, कौन उसे बचा सकता है। तब मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, और मैंने उस दिन अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया, और कहा कि परमेश्वर मैं आज के बाद पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, और आपकी सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। और उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज आया, परमेश्वर के वचनों को मैंने 5 साल तक अध्ययन किया। ये मायने नहीं रखता कि हम चर्च में किस कार्य को कर रहे हैं, परंतु मायने ये रखता है कि परमेश्वर ने हमें चर्च में कौन सा कार्य दिया है। और जब परमेश्वर हमें कोई कार्य को देता है चर्च में, अगर उस कार्य को हम बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि हम बहुत सारे लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर ला सकते हैं।